क्या हुआ था तुम्हारी बहन के साथ में? मुझे साफ साफ बताइए। माता देश के लोग बेटी, माता देश के लोग बेटे, मेरी बहन का पाल बेटे। हवा मत, ये चम्मर है। मुझे साफ साफ बताइए कि तुम्हारी बहन के साथ में क्या हुआ था? बचपन में हमारे माँ बाप खत्म हो गए थे। हमारे पास सिकलौती बहन थी जिसका नाम ममता था। मैंने कितने कारण बड़े घराने से ब्याह तय कर दिया। गरीब होने की वजह से दहेज ना पूरा कर पाई। दहेज ने मेरी बहन को ठोकर मार के ससुराल से निकाल दिया गया। वो हमारे घर आई, हमसे अपनी बहन की आंखों में आंसू देखा ना गया। मैं दहेज के लिए अपनी जमीन, अपना घर, अपनी पत्नी के मंगल सूत्र दे दिया। फिर वे दहेज के लोभियों का संतोष न हुआ। 3 लाख रुपये के लिए दरिद्रों ने हमारी बहन को मार डाला। जब मैं बहन के नाच मांगने गया, रुपयों से सारा थाना खरीद लिया गया। और तभी तो मिलकर मुझे इतना मारा, मुझे इतना मारा कि मैं अपने बहन के प्रयोग में पागल हो गया। आगे तुम्हारी बातें सुन के हमारे सीने में परसों की आंख फिर से थरक उठी हुई। अरे कदारों की दुनिया है, ये अमीरों की दुनिया है, ये दहेज के लालचन की दुनिया है। यहाँ पर हमेशा गरीब की बहन बेटियां चिंता जलाई जाती है दहेज के लिए। हमारा भी तभी एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। हमारी भी एक बहन थी जिसका नाम सरता था। मैंने उसकी शादी राघोपुर गांव में एक बड़े घर में किया। गरीब होने के कारण मैं दहेज न दे सका। हमारी बहन के ससुराल वालों ने दहेज की लालच में हमारी बहन को मार डाला। जब एक खबर सुना, मैं राघोपुर गांव पहुंचा। आज भी मुझे भयानक रात याद है। उधर सारे राघोपुर गांव में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था। उधर हमारी बहन की लाश चल रही थी। मैंने सारे गांव वालों को
सामने हाथ जोड़कर विनती किया, कोई तुम कुत्ते के खिलाफ तुरंत गवाही दे। लेकिन पूरे गांव में कोई भी ऐसा शख्स नहीं निकला जो हमारी बहन के ससुराल के खिलाफ वाले को तुरंत गवाही दे। भटकते भटकते मैं चंबला पहुंचा, तब मुझे मंगल चाचा ने सहारा दिया। उसी दिन से मैंने कसम खा लिया कि जब तक चाचा के सीने में जान है, राघोपुर गांव में कोई भी औरत, कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा दीपावली का त्योहार नहीं मनाएगा। मैं कहता हूं, मैं सोचता हूं, ये हमारे देश से दहेज की आग कब बुझेगी? तो मैं इंसाफ कहीं नहीं मिलेगा। खुद अपने हाथों इंसाफ दो, ये लो हमारी बंदूक, मिटा दो कुत्तों को जिसने तुम्हारी खुशियों में आग लगाया है। आज से तुम राजा नहीं बल्कि चंबल के शेर डाकू राका कहलाओगे। ये लो हमारी बंदूक, मिटा दो कुत्तों को। बल्कि उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि जब गरीब के सीने में आग होती है तो दहेज के ढेरों का क्या हालत होता है। मैं चंबल की गोद में पहुंचे करके राजा से जाकर मेरे देश में दहेज की आग कब बुझेगी।